अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए कढ़ी पकोड़ा, जिसे हम कहते हैं कढ़ी भजी। हम महाराष्ट्रियन इसे भजी कहते हैं। और जब भी कुछ समझ न आए कि क्या बनाना है लंच में या डिनर में, तो ये बेस्ट होता है कढ़ी चावल विद भजी। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिर्ची ली है, हरा धनिया, थोड़ी सी लहसुन और यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है मैंने। इसे अच्छे से पीस कर साइड में रख लेंगे और उसी जार में हम दही को भी ग्राइंड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा घर का ही बना हुआ दही है, जिसमें से मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही को लिया है। इस तरह से दही को भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, जिससे ये पतला सा बटर मिल्क बन जाता है। बटर मिल्क को हम छाछ भी कहते हैं। और इस तरह से हमने इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड किया है और जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है उसे भी इसमें में ऐड किया है मैंने। और अब इसे हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, जब तक सालों को दही के साथ पकाएंगे, जिसमें हमने मिर्ची, लहसुन और नारियल को ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हल्दी और नमक को भी इसी स्टेज पर ऐड किया है और इस तरह से हिलाते हुए ही पकाना पड़ता है। अगर हमने इसे हिलाना बंद कर दिया तो मसाले और छाछ हमारा जिस तरह से दूध फटता है उसी तरह से ये भी फट जाता है, इसीलिए हमें अच्छी तरह से इसे हिलाते हुए पकाना पड़ता है। लगभग मैंने इसे 10 मिनट तक हिलाते हुए पकाया है। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच बेसन के आटे को इसमें लगाऊंगी। मिक्सी के जार में ही मैंने इस तरह से बेसन को हिला लिया है और अब आप देख सकते हैं बेसन को मिलाने की वजह से हमारी जो दही है वो गाढ़ी हो चुकी है। बेसन को लगाने के बाद भी हमें इसे 7 से 8 मिनट तक पकाना पड़ता है, क्योंकि जब तक बेसन की स्मेल नहीं चली जाती हमें इसे पकाना होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। मैं इसे दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरह से मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 मिर्ची ली है, यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल को मैंने छोटे बर्तन में ऐड कर दिया है। गरम तेल में हम लहसुन को ऐड करेंगे, हरी मिर्ची, ज़ीरा, राई के दाने, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हल्दी को ऐड करेंगे। जो कढ़ी हमने रेडी की है उस पर हम इस तरह से इसका तड़का लगाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं तड़का लगाने के बाद हमारी कढ़ी कितनी खूबसूरत लगती है। मैंने यहाँ पर कढ़ी पे तड़का ऐड करने के बाद 1 चम्मच शक्कर को ऐड किया है। शक्कर ऑप्शनल है, आप मुझे पसंद है इसीलिए मैं ऐड करती हूँ। और इसी के साथ मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड किया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको भजिया बताया है, पर भजिए की रेसिपी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके साथ में बहुत ही लेंदी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।